हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपारा मेडिकल स्टडी चैनल। तो चलिए हम आज जानते हैं फार्माकोलॉजी के नए क्वेश्चन। ठीक, तो जो भी आप चैनल पर नए हो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। चलिए हम आज जानते हैं फार्माकोलॉजी में कॉन्ट्रासेप्टिव पाइल्स के बारे में। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो कॉन्ट्रासेप्टिव पाइल्स मैंने क्या होता है, गर्भ निरोधक गोली। ठीक, ये क्या कहता है, भ्रूण के इम्प्लांटेशन को रोक देता है गर्भ में, यानी यूट्रस में जो भ्रूण का इम्प्लांट होता है, यानी ओवम का जो इम्प्लांट होता है उसको क्या करता है, रोक देता है, यानी गर्भधारण नहीं होने देता। ठीक, तो चलिए कॉन्ट्रासेप्टिव पाइल्स आर द ड्रग्स। ये क्या होता है, एक तरह का दवाई है। ठीक, दवा है गर्भ निरोधक, एक तरह का दवा। विच इज प्रोवाइडेड कॉन्ट्रासेप्टिक सिंस दे कंट्रोल फर्टिलिटी, दे आर आल्सो कॉल्ड द एंटी फर्टिलिटी एजेंट। मतलब कह रहा है कि जो गर्भ, देखिए, विच प्रोवाइड कॉन्ट्रासेप्टिक सिंस, मतलब जो गर्भधान को रोक देता है, गर्भधान को रोक देता है। ठीक, यानी गर्भधान को रोक देता है, प्रिवेंट ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिक गर्भधान को रोक देता है। उसके बाद दे कंट्रोल फर्टिलिटी, दे आर आल्सो कॉल्ड एंटी फर्टिलिटी एजेंट, क्योंकि ये प्रजनन क्षमता को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एंटी फर्टिलिटी एजेंट बोले जाते हैं। ठीक, उसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिक पाइल्स इज कॉल्ड द बर्थ कंट्रोल पाइल। इसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिक पाइल्स को बर्थ कंट्रोल पाइल, क्योंकि ये बर्थ को रोक देता, बर्थ नहीं होता। ठीक, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर इज द हाई लेवल ऑफ ओवेरियन हार्मोन एंड दे प्रिवेंटेड ओवुलेशन, सो ओवुलेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। कहने का मतलब है कि गर्भावस्था के दौरान क्या होता है, ओवेरियन हार्मोन जो होता है, ओवेरियन हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को बोला जाता है, इसका हाई लेवल होता है, जो क्या कहता है, ओवुलेशन, अगला जो ओवुलेशन चलेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, उसको रोक के रखता है, क्योंकि हमारे बॉडी में, फीमेल की बॉडी में क्या हो जाता है, ओवरी मतलब यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाता है, इम्प्लांट हो जाएगा तो उस समय क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुका रहेगा, यानी अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगा, तो इसलिए ओवुलेशन नहीं होगा, ओवुलेशन ओवरी से नहीं होगा। तो यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के हाई लेवल होने से क्या होता है, ओवरी का में से ओवुलेशन फॉर्मेशन नहीं होता है, अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलता। कहने का मतलब यही है, इसलिए बोलता है सो ओवुलेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन अदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इसलिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के एडमिशन से ओवुलेशन को रोका जा सकता है। इसलिए क्या हुआ, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के एडमिनिस्ट्रेशन से क्या किया जाता है, अगला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल उसको रोका जा सकता है, मतलब या तो ओवुलेशन को रोका जा सकता है। ठीक, ओवुलेशन नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगा। ठीक, ओवुलेशन को रोका जा सकता है। उसके बाद व्हेन ओवुलेशन इज प्रिवेंटेड प्रेगनेंसी कैन बी प्रिवेंटेड, मतलब जब ओवुलेशन रोका जाता है तो गर्भावस्था को रोका जा सकता है। ठीक, जब ओवुलेशन रोका जाता है तो गर्भावस्था को रोका जा सकता है। सो दे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक कंटेंट, इसलिए मुंह द्वारा जो खाए जाने वाले कॉन्ट्रासेप्टिक पाइल्स होता है, मुख के द्वारा लेने वाले कॉन्ट्रासेप्टिक पाइल, उसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन होता है, या एदर प्रोजेस्टिजन्स, यानी केवल प्रोजेस्टेरोन ही होता है, या तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन होगा या एदर प्रोजेस्टेरोन का ही होगा। ठीक, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोइडल हार्मोन होता है। ठीक, तो समझ गए, या तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन होगा या एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। तो ये एस्ट्रोजन जो जिसमें केवल प्रोजेस्टेरोन होगा उसमें कहता है मिनी पाइल्स बोला जाता है, जिसमें कॉम्बिनेशन होगा कॉम्बिनेट पाइल्स बोला जाता है। मिनी पाइल में पहले जो होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, देखिए प्रोजेस्टेरोन जो होता है आपका एस्ट्रोजेनल हार्मोन है, एस्ट्रोजेनल हार्मोन क्या करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को पूरे बंद कर देता है। पूरे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होगा तो हमारे शरीर में बीएमआर बढ़ जाएगा, मतलब फीमेल के शरीर में बीएमआर बढ़ जाएगा, और सर दर्द होगा, बहुत सारी चीज होता है, तो उसके क्या होता है, हटा करता है, यानी सर दर्द, बहुत सी बीमारी आ जाता है। तो इस कारण से ये जो पाइल्स लेने से फीमेल्स में क्या होता है, तो बहुत सारे दिक्कत आने लगते थे, इसलिए इसमें क्या किया गया, एस्ट्रोजन मिला के दिया गया, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन दिया गया। एस्ट्रोजन क्या करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो भी प्रोसेस होता है उसको चलाता है। ठीक, देखते हैं आगे कैसे चलाता है। ठीक, और गर्भधान भी नहीं होता, और एक आभासी रूप से आपका मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। ठीक, तो देखते हैं आगे कैसे होता है। उसके बाद देखिए, दे आर सिंथेटिक्स प्रोडक्ट्स। देखिए, ये जो होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का, या प्रोजेस्टेरोन का केवल जो होता है पाइल्स जो बनाया जाता है, वो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स होता है। ठीक, दे मोस्ट कॉमनली यूज ऑफ द प्रोजेस्टेरोन इज, जो मोस्ट कॉमनली प्रोजेस्टेरोन का केवल जो प्रोजेस्टेरोन का यूज किया जाता है, उसमें होता है लिवो
नॉर्जेस्टेरोन, नीबू नॉर्जेस्टेरोन होता है, एंड मोस्टली मोस्ट कॉमन एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन मतलब जिसमें प्रोजेस्टोन का यूज किया जाता है उसमें लिवोनॉर्जेस्टेरोन का यूज किया जाता है, और जो प्रोजेस्टोन यूज किया जाता है उसमें क्या जाता है सिंथेटिक प्रोडक्ट में क्या किया जाता है एथाइल एस्ट्रोइडल, एथाइल एस्ट्रोइडल का यूज किया जाता है, ठीक पाइल में दिया जाता है केमिकल जो होता है उसे बनाया जाता है। तो उसके बाद देखें दिस पाइल, दिस पाइल आर टेकन ओरली 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 फॉर 21 डेज, यानी कि मुख के द्वारा इसको क्या गया था 21 डेज तक लिया जाता था, ठीक लिया जाता है। इच इज एन मेनेस्टर, देखिए हम एक बात बता देते हैं, अभी हम बताए थे कि आपको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कंबाइन दिया जाता था, और उससे पहले क्या होता है मेनली प्रोजेस्टेरोन का दिया जाता था, तो मेनली प्रोजेस्टेरोन का जो दिया जाता था वो आप हेडेक आता था और मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल एक तरह से बंद हो जाता था, बीएमआर बढ़ जाता था फीमेल में, तो उस तरह उसमें क्या होता था आपको सिर्फ 21 डेज का टेबलेट आपको खिलाया जाता है, 21 डेज टेबलेट दिया जाता है, 21 डे का एक कोर्स होता था जो खाना रहता है रोज एक एक टेबलेट 21 डे। लेकिन अब जो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का जो मिक्स दिया जाता है उसमें आपको टोटल 28 दिन का कोर्स होता है जो हर एक दिन एक एक टेबलेट लेना रहता है, तो आप वही बारे में बता रहे हैं कैसे कैसे क्या होता है, ठीक। तो इन ए मेनस्ट्रुअल साइकिल स्टार्टिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 5 डे, पांचवा दिन से क्या किया जाता है इसको स्टार्ट किया जाता है इस टेबलेट को, एंड द एंडिंग ऑफ द 25th डे, इसको मतलब 25th मतलब 25वां दिन इसको क्या किया जाता है बंद हो जाता है, 21 दिन का जो कोर्स होता था 25 दिन बंद हो जाता, मतलब लेना इस टेबलेट को लेना बंद कर देते थे, फिर 7 दिन क्या करते रुक जाते थे, फिर 5 दिन के पास से लेना चालू करते थे, और फिर 25 तक लेते थे, ऐसे ही लेते थे। दे हावर इट्स इज द इट इज द एडवाइसेज टू द री स्टार्टिंग एट द कोर्स आफ्टर गैप ऑफ 7 डे, यानी 7 दिन का गैप लेके, ठीक, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना 28-29 दिन का होता, तो 28 दिन का ये कोर्स होता था, ठीक। तो देखिए ये टेबलेट का क्रम बनाया गया, ठीक, इस तरह से रहता है, इसमें 7 दिन का एक रहता ऊपर में, यहाँ 5th दिन, देखिए आपका 5th दिन शुरू से 1st डे से क्यों नहीं, तो 1st डे में क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड का ब्लड निकलता है, तो उससे क्या होता है तो उस दिन आपको नहीं लेना है उसमें, मतलब वो रिस्की जोन नहीं होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मेन जोन जो होता है मेन जोन जो कोर्स स्टार्ट होता है वो 5th डे से स्टार्ट होता है आपका, और 25 डे तक रहता है, तो उसमें आपको 25 डे तक 5 डे से स्टार्ट करना रहता था, ठीक। 7 डेज आपका जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का ब्लड से निकलता था, इसलिए क्या होता है 7 डेज आपको गैप छोड़ा जाता था, ठीक। तो आपको 5 डे स्टार्ट करना और 25 डे तक लेना है, ठीक, 25 डे तक आप लोग लेना है, तो 25 पहले ऐसा ही होता था और 7 दिन फिर छोड़ देना फिर लेना। लेकिन आप जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो कॉम्बिनेशन दिया जाता है उसमें एक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है एस्ट्रोजन के कारण, एस्ट्रोजन के कारण, एस्ट्रोजन क्या करता है गर्भाशय के जो होता है परत हो जाते हैं, यानी यूट्रस के जो परत एंडोमेटेरियम, ये यूट्रस हो गया तो इसके एंडोमेटेरियम को फॉर्मेशन कराता है, कौन कराता है फॉर्मेशन कराता है आपके एस्ट्रोजन कराता है, एस्ट्रोजन एंडोमेटेरियम को फॉर्मेशन कराता है, एस्ट्रोजन जब एंडोमेटेरियम को फॉर्मेशन कराएगा तो मैंने आपके एक टेबलेट भी ले रहे हैं और एस्ट्रोजन भी है उसमें, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इसमें दोनों रहता है इस टेबलेट में, यहां तक टोटल एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ये क्या करें आपके यूट्रस को फॉर्मेशन करेंगे, ठीक, आभासी रूप से एक मतलब उसको क्या कहते हैं धोखा दे रहे हैं एक तरफ से उस तरह से, तो एस्ट्रोजन इसको फॉर्मेशन कराएगा लेकिन हमारा प्रोजेस्टेरोन भी है इसमें, तो क्या प्रोजेस्टेरोन क्या करते ओवुलेशन को रोक के रखेगा, ओवुलेशन होने नहीं देगा, लेकिन हमारा यूट्रस क्या करेगा ये मतलब फीमेल यूट्रस क्या करेगा एंडोमेट्रियम को फॉर्मेशन करेगा, एंडोमेट्रियम फॉर्मेशन करेंगे 25 दिन तक, फिर क्या 25 को क्या करेंगे रोक देंगे हम एस्ट्रोजन ये टेबलेट, ठीक, रोक देंगे, तो जैसे ही रोक देंगे तो उसके बाद क्या करते उसको पता लगेगा कि हमको एस्ट्रोजन मतलब नहीं मिल रहा, तो उस क्या करेगा और प्रोजेस्टेरोन दोनों खत्म हो जाएगा, तो उसके क्या करेगा एंडोमेट्रियम टूटने लगेगा, टूट जाएगा, टूटने के बाद फिर वही मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो रूप चलता है वैसे ही चलेगा, फिर ब्लड इसका टूट के एंडोमेट्रियम ब्लड और उसके बाद इसका जो परत होता है टूट टूट के बाहर निकलेंगे, ठीक, तो वही होता है। उसके बाद आपका जो होता है इसमें 7 डे का 7 दिन का एक अलग, जैसे मतलब कोई आता 25 दिन तक लेता था टेबलेट 5 से 25 दिन तक, बीच में कभी छूट जाता था, यानी 7 दिन में लेना रहता 7 दिन नहीं लेना रहता, तो बीच में पता ये गिनती पता ही नहीं चलता था कि 7 दिन कब याद नहीं रहता आदमी को, तो दिक्कत होता था, इसलिए इसमें बीच में क्या किया 7 दिन का एक आयरन का टेबलेट दे दिया गया, आयरन का टेबलेट, आयरन क्या कहता बहुत मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के लेडीज में जो होता होते रहता है, इसके लिए क्या कहता है आयरन कमी हो जाता है, और आयरन कमी होने के लिए इसलिए आयरन टेबलेट का यूज किया जाता है ताकि इसको बहुत फायदा मिले, जब ब्लड लॉस होता है उसमें लॉस में यानी लॉस को मेंटेन करके रखे, ठीक, तो इसलिए आयरन का टेबलेट दे देता है 7 दिन तक ताकि कोई झंझट नहीं, टोटल का टोटल कोर्स चलेगा 28 दिन का, ठीक।
तो 25-26 में फिर आयरन का टेबलेट आएगा, आयरन का टेबलेट लिया रहता, नीचे में रेड कलर का टेबलेट रहता है, थोड़ा अलग टेबलेट दिखाई इंगित किया रहता है, ठीक, तो आयरन का टेबलेट होता है। तो एंडोमेट्रियम टूट के बाहर निकलेंगे, इस तरह से मेनस्ट्रुअल साइकिल चलता है आपका, एक आभासी रोल, लेकिन ओवुलेशन नहीं होता है। किस टेबलेट में? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का, जिसमें कॉम्बिनेशन होता है, ठीक। तो आपका रहा ये कॉन्ट्रासेप्टिव पाइल्स। आप कॉन्ट्रासेप्टिव पाइल्स के बारे, हार्मोनल पाइल्स जो होता है कॉन्ट्रासेप्टिव, उसमें क्या एक्ट बाय द 4B, मतलब इसका काम जो करता है वो किस तरह से काम करता है उसके बारे में दिया गया है, ठीक, कैसे कैसे काम करता है ये, ठीक। तो आप देखिए, फर्स्ट है इनहिबिशन ऑफ द ओवुलेशन, ये क्या करता है, ओवुलेशन को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। उसके बाद है अल्टरनेशन इन द इन यूटेराइन एंडोमेटेरियम ऑफ द मेक ऑफ है अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन, क्या कहता है, ये गर्भाशय जो होता है एंडोमेटेरियम को परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित करके इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल बना देता है, इम्प्लांट होने ही देता है। यदि ओवम जो रिलीज होगा तो उसको इम्प्लांट ही नहीं हो पाएगा, ये अनसुटेबल बना देता है, ठीक। उसके बाद क्या कहता है, चेंज इन द सर्विकल म्यूकस इम्पेयरिंग इट्स एबिलिटी टू अलो पासिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, मतलब बोल रहा है कि गर्भाशय के गीवा म्यूकस में परिवर्तन करके क्या करता है, शुक्राणु के मार्ग और परिवहन की अनुमति देने की क्षमता को कम कर देता है, उसके मोटिलिटी को क्या करता है, कम कर देता है, ठीक। उसके बाद आता है इनहिबिट ऑफ द मोटिलिटी एंड सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ द फ्लोपियन ट्यूबुल, फ्लोपियन ट्यूबुल के सिक्रेटरी और मोटिलिटी एक्टिविटी को क्या करता है, कम कर देता है, इनहिबिट कर देता है, ताकि क्या कहते हैं वहां तक स्पर्म पहुंच पाए, या जो हमारे क्या कहते हैं फीमेल में जो होता है अंडाणु, उसको क्या कहते हैं वहां तक, उस एक पर्टिकुलर टाइम तक वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, उसके क्या कहते हैं मोटिलिटी को कम कर देता है, या सिक्रेटरी फेज को, ठीक, कम कर देता है। तो इस तरह से हम कॉन्ट्रासेप्टिव पाइल्स मतलब वर्क करता है फीमेल में, ठीक। तो ये आपका कॉन्ट्रासेप्टिव पाइल्स के बारे में आप शायद समझ चुके होंगे, ठीक, अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों, बाय और थैंक यू, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। Thank you, bye.